तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे? यार आज हम बात करेंगे ओपन मास्टर के बारे में। यार ओपन मास्टर बहुत अच्छी चीज़ होता है, जो आपका नाम के आगे एक टाइटल होता है ओपन मास्टर, और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें ओपन मास्टर थोड़ा अच्छा है उन सबसे, और ओपन मास्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ओपन मास्टर होता है, और वेल लाइक तो ऐसे ही मिल जाता है 1000 लाइक्स मिलने पर। आज मैं एक ट्रिक के बारे में बताऊँगा जिससे आप ओपन मास्टर ईजिली कर सकते हो। मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया था, पर बाद में मैंने जब इस ट्रिक को आजमाया खुद से, तब यार हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगर ओपन मास्टर करना है तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनना। मैं बोलूँगा पूरा ध्यान से सुनना, स्टेप 1 टू पूरा लास्ट तक पूरा बोलूँगा, पहले कैसा करना है और कैसे कैसे करना है। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको आपको तो पता ही है 6 किल करना है, 6 तरह की चीज़ों से, जैसे कि नेट से हो गया, ग्रेनेड से आपको 1 किल करना है, SMG से 1 किल करना है, यार से भी 1 किल करना है, हाँ यार तो हो गया, इसके बाद स्नाइपर से 1 किल करना है, और रह गया कार से 1 किल करना है। तो 6 किल ऐसे ऐसे हो गया, तो शॉटगन से भी किल करना है, 6 किल चाहिए। तो आपको पहले करना क्या है, देखो यार और SMG आराम से हो जाएगा, लास्ट पे भी आप किल कर सकते हो, पर सबसे जो टफ़ होता है नेट से किल करना और शॉटगन से किल करना और कार से किल करना सबसे टफ होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपको एक लोबी पे जाना है। और एक बात जो सबसे बेहतरीन है कि अगर आपको ओपन मास्टर करना है तो एशिया पे मत खेलो। अगर आपको रैंकिंग करना है, अगर आपका रैंक गिराना नहीं है, एक ट्राई में नहीं होगा भाई, ये मुझे पता है, बहुत मेहनत लगता है, एक ट्राई में नहीं होगा। मेरा भी बहुत बहुत मैंने मेहनत की इसके बाद हुआ, और जब मैंने लास्ट बार गया तब हो गया। तो मैंने उस वक्त मैंने एक ट्रिक आजमाया था, उसको बता रहा हूँ कि तुम दूसरा जो सर्वर होता है ना, दूसरे सर्वर जैसे कि यूरोप हो गया, यूरोप सबसे बेहतरीन है, उस पर आप प्लेटिनम तो चाहिए ही, ओपन मास्टर गेल प्लेटिनम पे होना चाहिए, प्लेटिनम टायर पे। तो आप लोग कोशिश करें कि प्लेटिनम पे चले जाए, यूरोप पे, एशिया पे नहीं। एशिया पे अगर ट्राई पहला ट्राई मिस हो गया, दूसरा ट्राई भी मिस हो गया, वो हो सकता है, तो बर्फ तो सब कुछ मिलता नहीं है, तो इसीलिए अगर मिस हो गया इसलिए यूरोप पे कोशिश कीजिए। और अगर आपको रैंकिंग की कोई चिंता नहीं है, आपको सिर्फ ओपन मास्टर करना है, तो आप एशिया पे ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यूरोप पे थोड़ा ईजी रहता है क्योंकि बोट उधर ज़्यादा होते हैं, एशिया सर्वर के बजाय उधर बोट ज़्यादा होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ स्टेप 1, आपको सबसे पहले प्लेन पे जब आप लॉबी पे जाएंगे, और एक बात, आपको स्क्वाड के साथ ही रहना चाहिए। स्क्वाड आपको इतनी मदद करेगी, आप खुद अगर सोलो पे करेंगे तो नहीं होगा, आपको स्क्वाड पे करना है, थोड़ा ईजी होगा, सोलो से बहुत ज़्यादा ईजी होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको शॉटगन से किल करना है, शॉटगन तो उतरते ही मिल जाता है ना, तो शॉटगन से आपको किल करना है। सबसे पहले शॉटगन, ग्रेनेड और एक चीज़ कार व्हीकल, उन दो तीनों से सबसे पहले करना है। इसके बाद जो रहता है स्नाइपर यार और कोई भी SMG गन बाद में हो सकता है, पर सबसे पहले टफ जो होता है नेड, शॉटगन और कार, आपको जो पहले मिलेगा उससे किल करने की कोशिश कीजिए। और आप कोई किसी भी हॉटस्पॉट पे लैंड मत कीजिए, पूरा लास्ट पे जब आपको प्लेन फेंक देगा, जो प्लेन का जो पाथ होता है ना, पाथ जिस तरह जिस रोड से प्लेन जाता है जिस तरफ से, तो उसको पाथ कहते हैं प्लेन का पाथ। तो उस पाथ के जो लास्ट होगा ना, लास्ट स्टेज, उधर जाके आपको प्लेन फेंक देगा खुद से ही। तो क्या होता है, उधर आपको 3-4 किल ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि उधर बंदे जो कुछ बंदे जिनका जियो का पैक ख़त्म हो गया, तो उनका नेट चला गया, तो ये AFK हो जाते हैं ना, तो वो तो उतर नहीं पाते, तो लास्ट पे उतर जाते जाके उनको प्लेन फेंक देता है। तो आप कोशिश कीजिए उधर जाके कुछ किल लेने का, तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप ज़रा कोशिश कीजिए उधर जाने के लिए, और सबसे पहले आपको यार और स्नाइपर और जो SMG होता है उनको लास्ट पे करना है। सबसे पहले आपको व्हीकल, और व्हीकल से सबसे पहले अगर कर सके तो कीजिए, शॉटगन, व्हीकल और ग्रेनेड से सबसे पहले, इन तीनों से सबसे पहले, और इसके बाद यार, स्नाइपर और और आपके स्क्वाड के बंदों को थोड़ा, आपका जो फ्रेंड है चारों मिलकर थोड़ा बात कर लीजिए पहले, कि आपको आपका स्क्वाड को बता दीजिए कि चारों मिलकर 4 तरह के चीज़ें ढूंढेंगे, जैसे कि कोई अगर शॉटगन मिल गया तो दूसरा यार ले लेगा, और उसको यार मिल गया तो ग्रेनेड, जो जो चीज़ें ज़रूरतमंद है सब अलग अलग से चारों मिलकर ले सकते हो। अगर खुद जाओगे तो फिर उनको ढूंढने में मेहनत लगेगी और मिल भी नहीं पाएगा, तो अगर चारों मिलकर ढूंढोगे तो जल्दी हो जाएगा ना, इसीलिए
स्क्वाट पे सबसे अच्छा रहता है। सॉरी गाइस, आज का वीडियो थोड़ा लंबी बन गई क्योंकि मुझे थोड़ा डिफिनेशन में बात करनी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कीजिए, और यार नया चैनल है सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगे। तो बाय गाइस, सी या। We'll be right back.